तरीके इंसाफ के 27 मार्च को डी चौक पर अवामी ताकत का मुजाहरा, जलसे का मौजू अमर बिलमारूफ होगा। चाहते हैं अवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। वज़ीर आज़म ने जलसे के उनवान का लोगो ट्वीट कर दिया। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की मजम्मत। अपोजिशन की बदलती चालों से कैसे निपटा जाए, पीटीआई की सियासी कमेटी आज फिर बनीगाला में सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। इत्तेहादियों और नाराज साथियों से राबतों पर भी तबादला ख्याल होगा। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़, मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ऑपोजिशन की पहले धमकी फिर लहजा नर्म। ओआईसी इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वज़रा खारिजा का पट्टा पाक खैर मकदम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में खुशगवार माहौल के लिए किरदार यकीनी बनाएंगे। मुल्क के सियासी हालात को कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। कारकुनों को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद ना आने की हिदायत की है। हिज़्ब इख्तलाफ का ऐलामिया। ओआईसी वज़रा खारजा इजलास, मौजूद मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। मिस्र के वज़ीर खारजा सामे शिकरी इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्री हममनसब की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। ओआईसी वज़रा खारजा के 48वें इजलास की तैयारियां, तराना जारी कर दिया गया। अली सफर की आवाज में तराने की वीडियो तसव्वुर अल करीम बेग ने तैयार की। हुकूमत की नई हिकमत अमली, कौमी असम्बली का इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक रिक्वजिशन जमा होने के बाद 14 रोज में इजलास तलब करना जरूरी है, इजलास होना जरूरी नहीं। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का एक और पड़ाव। वज़ीर आज़म का एक रोजा दौरे पर आज मलाकंड जाने का प्रोग्राम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तरगई में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान का कारकुनों से खिताब शेड्यूल। करोड़ों रुपए लेने का इल्जाम गलत, सिंध हाउस गया ही नहीं। पीटीआई ने करप्शन खत्म करने के सिर्फ नारे लगाए, 3.5 साल में हल्के का एक भी काम नहीं करा सका। मुनहरिफ रुख ने कौमी असम्बली गुफार वट्टू का वीडियो बयान। पंजाब हुकूमत का बड़े रमजान पैकेज का ऐलान। रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। सूबे भर में 317 रमजान बाजार 25 शौबान से फंक्शनल होंगे। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। उस्मान बुस्तार। कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शराह 1.06% पर आ गई। मोहलिक वायरस से एक शख्स जान बहक, अब तक 30,329 अमवात, 24 घंटे के दौरान 375 नए मरीज। बिजली ना पानी, फर्नीचर ना वॉशरूम्स, इमारत खंडर। बिन कासिम टाउन कराची के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हालत अबतर। 600 से ज्यादा तलबा और तलबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। तलबा का बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। रूसी अफवाज यूक्रेन के शहर मेरियोपोल पर मुकम्मल कब्जे के करीब। यूक्रेन की बहरा अजोव तक रसाई खत्म। यूक्रेनी फोर्सेस का जेर जमीन असलहा का डिपो भी तबाह। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा। चीन रूस के दिफा में सामने आ गया। मगरब की मॉस्को पर मौशी पाबंदियां इश्तियालंगेजी करार। इकतसादी पाबंदियां मसाइल का हल नहीं, आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह हैं, चीनी नायब वजीर खारजा।
कनाडा में मुसलमानों से नफरत का एक और वाकया। मिसिसागा में शरपसंद शख्स का कुल्हाड़ी से मस्जिद में हमला। नमाजियों ने 24 साल मुल्ज़िम को बरहक पकड़ लिया। कुछ नमाजी स्प्रे से मामूली जख्मी। कराची के बाद लाहौर में मैदान लगने को तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज के आखिरी टेस्ट का कल से कदाफी स्टेडियम में आगाज। दोनों टीमों की फैसला कुन मार्के के लिए भरपूर प्रैक्टिस। कौमी कप्तान होम ग्राउंड में खेलने पर खुश। कराची टेस्ट बतौर टीम खेला। लाहौर में भी उसी जज्बे से मैदान में उतरेंगे। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। बाबर आजम की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईबीएफ वर्ल्ड फ्लाईवेट चैंपियनशिप टाइटल। दुबई में पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम सनी एडवर्ड से हार गए। बरतानवी बॉक्सर टाइटल के दिफा में कामयाब। 12 राउंड्स में 117 के मुकाबले में 109 स्कोर से फातह करार।